दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बड़ी खबर, ट्रेन यात्रियों को मिली राहत, फिर से चलेगी पटना इस्लामपुर और झाझा समेत 12 जोड़ी बंद मेमू ट्रेनें। लगातार बंद पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की हो रही थी डिमांड। जी हां, कोरोना काल में पूर्व मध्य रेलवे के तहत बंद किए गए पैसेंजर ट्रेनों को धीरे धीरे करके चालू किया जा रहा है। अब 19 सितंबर से 12 जोड़ी बंद मेमू ट्रेनें फिर से चलेगी। इसमें पटना इस्लामपुर और पटना झाझा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। लगातार इन बंद पैसेंजर ट्रेनों के चलाने की मांग हो रही थी। आपको बता दें कि जिन 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है उसमें पटना झाझा मेमू पैसेंजर ट्रेन, पटना इस्लामपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन, गया डीडीयू मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, बरौनी समस्तीपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, बरौनी कटिहार मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, कटिहार समस्तीपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, बरौनी पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, समस्तीपुर सहरसा मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, कोडरमा बरका काना पैसेंजर स्पेशल ट्रेन और कोडरमा महेश मुंडा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। बड़ी खबर, 30 सितंबर तक मैट्रिक परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। 9वीं क्लास के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, नहीं लिया जाएगा कोई लेट पेमेंट। जी हां, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए 9वीं क्लास के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन बिना लेट पेमेंट के 30 सितंबर तक करने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा है कि अब स्टूडेंट को और मौका दिया गया है, इससे अब स्टूडेंट को समस्या नहीं होगी। 30 सितंबर तक समय होगा और लेट पेमेंट भी नहीं देना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क वेबसाइट secondary.biharboardonline.com के माध्यम से भरा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने में किसी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बिहार बोर्ड ने कहा है कि समस्या पर बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर 0612223207422327 एवं 2232239 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार में 138 सहायक अंकेचन पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। जी हां, राज्य में 138 सहायक अंकेचन पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। वित्त विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग को इसका प्रस्ताव भेजा है। ये अधिकारी अंकेचन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे। इनके लिए गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य में स्नातक की योग्यता रखी गई है। वहीं चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रबंधन में स्नातक कोर को प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी। बिहार से यूपी और झारखंड के लिए शुरू होगी बसें। पटना से वाराणसी, जमशेदपुर और रांची जाना होगा आसान। जी हां, पटना से वाराणसी, रांची, जमशेदपुर समेत उत्तर प्रदेश और झारखंड के अन्य शहरों के लिए नई बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए 100 नई बसों का परिचालन लोक निजी भागीदारी के तहत शुरू होगा। इसके अलावा राज्य के अंदर पटना से विभिन्न जिला मुख्यालय के लिए भी नई बसें चलाई जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसकी तैयारी कर ली है, जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। मालूम हो कि पटना से वाराणसी के लिए निगम की अभी कोई बस नहीं चल रही है। वहीं रांची और जमशेदपुर के लिए निगम द्वारा पहले से बसें चलाई जा रही थी जो कोरोना संक्रमण को लेकर बंद कर दी गई थी। अब फिर से रांची और जमशेदपुर के लिए दो दो बसें चलाई जाएगी। इसी तरह पटना से गोरखपुर के लिए गोपालगंज होते हुए नई बसें चलेगी। खबर, सरकारी जमीन बेचकर धोखाधड़ी करना नहीं होगा आसान। नीतीश सरकार ने बनाया जबरदस्त मॉडल। जहां बिहार में अक्सर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती होगी कि लोगों ने सरकारी जमीन निजी हाथों में बेच डाली, लेकिन अब बिहार के अंदर ऐसा करना आसान नहीं होगा। अब कोई भी जालसाज सरकारी जमीन बेच नहीं पाएगा, सरकारी जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं हो सकेगी। अगर सरकार खुद किसी जरूरतवश रजिस्ट्री करना चाहे तो उस पर रोक नहीं रहेगी। इसके लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग राज्य के सभी सरकारी भूखंडों की जानकारी निबंधन विभाग को देगा। निबंधन विभाग उस प्लॉट की जानकारी जिलावार अपने कार्यालय को भेज देगा और उस भूखंड की रजिस्ट्री बिना सरकारी अनुमति के नहीं होगी। बड़ी खबर, गया में इस साल भी नहीं लगेगा विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला।
पिंडदान के लिए विशेष निर्देश जारी। जहां बिहार के गया में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला इस बार आयोजित नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने इसे लेकर कई निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस तरह के बड़े आयोजन को अभी अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा जो पिंडदानी सीमित संख्या में आ रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने बिहार और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस साल पितृतर्पण के लिए गया नहीं आवे, बड़ी तादाद में आने वाले समूह को रोका जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के हर गांव में 3 महिलाएं होगी नशा मुक्ति की ब्रांड एम्बेसडर, मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। यह राज्य सरकार के शराबबंदी कानून के बाद से लोगों की जीवन शैली में काफी हद तक बदला हुआ है, लेकिन अब भी बहुत से लोग किसी न किसी तरह के नशा ले रहे हैं। इन लोगों को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान चलाया जा रहा है, ताकि नशा करने वाले लोगों को नशे की लत से छुटकारा दिलाया जा सके। अब इस अभियान में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जोड़ने का निर्णय विभाग की ओर से लिया गया है। इसके तहत राज्य के सभी गांवों से 3 महिलाओं का चयन कर उन्हें नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। विभाग के मुताबिक महिलाओं को जोड़ने से इस अभियान में और तेजी आएगी। बड़ी खबर, बिहार में अब स्मार्ट क्लास में संस्कृत और उर्दू की भी होगी पढ़ाई। जी हां, राज्य में अब स्मार्ट क्लास में संस्कृत और उर्दू की भी पढ़ाई होगी। इसके लिए चैप्टर तैयार कर लिया गया है। मैट्रिक 2022 के परीक्षार्थियों को सुविधा देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पाठ तैयार किया गया है। मैट्रिक में द्वितीय भारतीय भाषा के तौर पर संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई होती है। अभी तक स्मार्ट क्लास में इन दोनों विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही थी। ज्ञात हो कि अब स्मार्ट क्लास में गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान हिंदी और अंग्रेजी की कक्षाएं चल रही है। सुबह के 5000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास 2019 में शुरू की गई थी। यह 9वीं और 10वीं के लिए शुरू हुई थी। हर विषय के चैप्टर का एनिमेशन तैयार किया गया था। एनिमेशन के माध्यम से छात्र पढ़ाई करते थे। अब स्मार्ट क्लास में संस्कृत और उर्दू की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और बिहार में बाइक का हाई पावर साइलेंसर बदला तो अब होगी जेल, मॉडिफाइड बाइक पकड़ाने पर होगी जब्त। जी हां, बिहार में मोटरसाइकिल खासकर बुलेट जैसी बाइक में हाई पावर साइलेंसर बदलने पर जेल हो सकती है। सरकार ने ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने और बाइक जब्त करने का आदेश सभी जिलों को दिया है। परिवहन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को यह निर्देश दिया है। परिवहन विभाग की समीक्षा में यह बात भी सामने आई है कि 10% तक रोड एक्सीडेंट मॉडिफाइड वाहनों के कारण हो रहे हैं। इस कारण से विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों में विशेष टीम गठित कर ऐसे गाड़ियों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग के मुताबिक पटना, जहानाबाद, बेतिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में मॉडिफाइड गाड़ियों के तेज आवाज से दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। बड़ी खबर, बीपीएससी से नौकरी पाने की चाहत रखने वाले ध्यान दे, 1 से अधिक आवेदन पर रद्द होगी उम्मीदवारी। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा की फॉर्म भरने के दौरान 1 से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थियों का दोनों आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी पहले आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन के अंतिम तिथि तक रद्द कर सकता है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अभी तक 2 या 2 से अधिक आवेदन करने पर दोनों आवेदनों को मर्ज कर दिया जाता था। अंतिम आवेदन मान्य मानते हुए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इस फैसले का अनुपालन आगामी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से ही किया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी। बिहाटा ईएसआईसी हॉस्पिटल में खोलेगा नया मेडिकल कॉलेज। जी हां, बिहार के वैसे छात्र छात्राएं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, यह खबर उनके लिए है। अगले साल यानी 2022 से एक और मेडिकल कॉलेज बिहार में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मेडिकल में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। राजधानी पटना के बिहाटा ईएसआईसी हॉस्पिटल में नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। राज्य सरकार की ओर से यह मांग की गई, इस पर विचार के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। अब 2022 सत्र से एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए एडमिशन शुरू होगा। मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दिए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्री मंगल पांडे ने धन्यवाद दिया और केंद्र सरकार का आभार जताया।
बड़ी खबर, अक्टूबर से भारत में लगनी शुरू होगी सिंगल डोज वैक्सीन, भारत सरकार ने दी मंजूरी, जानिए कितना प्रभावी है यह टीका। जी हाँ, अब तक भारत में लगने वाले कोरोना का हर टीका या वैक्सीन का डबल डोज लगवाना पड़ रहा था, लेकिन अक्टूबर से देश में सिंगल डोज का वैक्सीन लगना शुरू हो सकता है। भारत सरकार ने कल इस वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बड़ी बात यह भी है कि इस वैक्सीन का दाम भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। भारत सरकार ने कल रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के ब्रिजिंग ट्रायल के फेज 3 की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने स्पुतनिक लाइट का ब्रिजिंग ट्रायल कराने को कहा है। 1 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उम्मीद है कि अक्टूबर से यह वैक्सीन भारत में लगनी शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर, DCLR कोर्ट में फिर से टाइटल सूट की होगी सुनवाई, बिहार सरकार का आदेश जारी। जी हाँ, बिहार में अब फिर से अनुमंडल स्तर पर ही जमीन विवाद का टाइटल सूट केस की सुनवाई हो सकेगी। भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR अब फिर से टाइटल सूट स्वामित्व अथवा रैयती अधिकार सहित अन्य विवादों की सुनवाई कर सकेंगे। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई व्यवस्था के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त DM को पत्र लिखकर DCLR की कोर्ट में टाइटल के मामलों की सुनवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, बिहार में पोलियो रोधी खुराक पिलाने का अभियान, 26 से 2 करोड़ बच्चों को दी जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के साथ कृमिनाशक दवा खिलाने और पोलियो का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत घर घर जाकर कृमिनाशक दवा, एल्बेंडाजोल और पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान 2 करोड़ से अधिक बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवा और पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सितंबर में 16 से 21 तक राष्ट्रीय कृमिनाशक सप्ताह और 26 सितंबर को पोलियो टीकाकरण सप्ताह के तहत 2 गंभीर बीमारियों के नियंत्रण को लेकर अभियान शुरू होगा। पर शिक्षा विभाग अक्टूबर में BPSC को भेजेगी रिक्तियां, इसके 15 दिन बाद प्रकाशित होगा विज्ञापन। 45,852 में से 16,000 प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक पदों पर महिलाओं की होगी नियुक्ति। जी हां, 45,852 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग अक्टूबर में BPSC को प्राथमिक विद्यालय में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5,334 प्रधान अध्यापक की रिक्ति भेजेगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि होने वाले पंचायत चुनाव में आप अपने मुखिया को किस आधार पर चुनने वाले हैं? इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।